हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर को एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे एंजल वन के वेब पेज के ऊपर और ये वीडियो हमारे एजुकेशन के पर्पज से और हमारे नॉलेज के पर्पज से होने वाला है। एंजल वन के वेब पेज पे आने के साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये जो होम का ऑप्शन है, इस पर हम बढ़िया तरीके से क्लिक करेंगे। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक किया, हमारे सामने एक और पेज ओपन हुआ। इस पेज पर दोस्तों आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ट्रेंड करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सेक्टर है ना दोस्तों, सभी की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस किया है। आपको जो भी सेक्टर एनालिसिस करना है आप उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब हमें ऑटो सेक्टर को एनालिसिस करना है, तो देखिए ऑटो सेक्टर दोस्तों आज हल्की सी तेजी दिखा रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स है ना, सभी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सभी के नाम यहाँ देखने को मिलेंगे, प्राइस यहाँ देखने को मिलेंगे, प्राइस परसेंटेज में यहाँ, और ओपन इंटरेस्ट रेट जो वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो भी स्टॉक्स को एनालिसिस करना है उनको यहाँ से बढ़िया तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका चार्ट ओपन हो चुका है। उसी स्टॉक्स को दोस्तों हम बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर वो स्टॉक आ चुका है। इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो स्टॉक का यहाँ पर दोस्तों चार्ट प्रॉपर अपडेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी टाइम फ्रेम बदलना है बदल सकते हैं, कैंडल बदलना है बदल सकते हैं, यहाँ से जो भी इंडिकेटर लगाना है वो लगा सकते हैं। तो टाइम फ्रेम और कैंडल तो सही है, अब इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड का। तो देखिए सेकंड नंबर पर आ चुका है। इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो ये लग चुका है। अब यहाँ से हम टूल्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो टूल्स में सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल देखने को मिल रहा है, जो है दोस्तों 1484 रुपए का। यहाँ पर भी फेल हुआ, यहाँ पर दो तीन बार फेल हुआ और यहाँ पर भी फेल हुआ। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये 1476 रुपए का लेवल है, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ये एक एम प्रकार का कैंडल बन रहा है, मतलब डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ये पहला टॉप, ये सेकंड टॉप। ठीक है, अगर वो इस लेवल के नीचे आता है तो काफी ज्यादा प्रेशर में दोस्तों हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से डबल से ऊपर गया और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छे खासे कंफर्ट जोन में दोस्तों हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने स्टॉक को एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस खाली एजुकेशन के पर्पज से किया है। अब मान लीजिए हमें चार्ट पर ही पोजिशन लेना है, तो आप देख सकते हैं बाय का और सेल का ऑप्शन दिख रहा है। बाय करना है या सेल, तो हमें बाय करना है। चलो बाय पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितनी क्वांटिटी बाय करना है, तो मान लीजिए हमें 500 क्वांटिटी बाय करना है। तो 500 क्वांटिटी आप देख सकते हैं इस प्राइस से कितने की आ रही है पता चल रहा है। साथ ही में प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा सबमिट हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है ऊपर हमें पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। बहुत ईजी दोस्तों एंजल वन के वेब पेज को यूज करना है। उसके साथ ही अगर आप एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आया है एंजल वन ने। जैसे कि दोस्तों आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, आपको हमारा मोबाइल स्क्रीन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा एंजल वन का जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको ओपन किया है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इंस्टा ट्रेड। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हमें सारी सुविधा देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्रॉफिट लॉस यहाँ से देख लीजिए, जो भी टाइम फ्रेम लगाना यहाँ से लगाओ, कैंडल यहाँ से लगाओ, चार्ट पर इंडिकेटर यहाँ से लगाओ। उसके साथ ही दोस्तों आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं यहाँ से बढ़िया तरीके से कर लीजिए, फिर यहाँ से बाय करना है या दोस्तों पुट लेना है यहाँ से ले सकते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ से देख लो, जो भी ऑर्डर लगाना है वो यहाँ से देख लो। ये ब्लू कलर में प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर सर्च बॉक्स ओपन हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो वेब पेज पर स्टॉक दिख रहा है ना, हम उसको बढ़िया तरीके से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वो स्टॉक हमें फर्स्ट नंबर पर आते देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने उस स्टॉक का चार्ट ओपन हो चुका है। तो चार्ट को हम बढ़िया तरीके से यहाँ से एनालिसिस कर लेंगे, चार्ट पर इंडिकेटर लगाना है यहाँ से लगा लेंगे, फिर नीचे बाय का और सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, बाय करना है या सेल, तो हमें बाय करना है। चलो बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर हमने दोस्तों जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर क्वांटिटी डालने का आ रहा है, कितनी क्वांटिटी लेना है, मान लीजिए 500 क्वांटिटी लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 500 क्वांटिटी है इस प्राइस से कितने की आ रही है पता चल रहा है। साथ ही में दोस्तों बाय पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कंफर्म का आ रहा है। कंफर्म पे हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर है वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों हमारा जैसे ही सबमिट होगा हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वहाँ पर देखने को मिलेगा। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करो, इंस्टा ट्रेड को यूज़ करो, फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू दोस्तों।